तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि पीएपीओ में मर्ज हो जाएगा। एग्जैक्टली सच में होने वाला है क्या, उसमें बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र का सर डिवीजन एलोकेशन हुआ है तो उसमें कुछ डिवीजन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, जो मेरे को पता है उसके बारे में बताएंगे आपको। साथ में कुछ और भी बीच में याद आता है तो कोशिश करेंगे आपको बताने का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें लिखा है कि पीएसयूआरओ मर्ज होने वाला है, तो एग्जैक्टली होने वाला है क्या। तो देखो, इसके पहले हम काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, फिलहाल एक दो दिन पहले भी वीडियो बनाए थे जिसमें ये बोले थे कि अगर किसी को गलती से ऐसे मिल गया है और उनको ऐसे नहीं चाहिए तो ऐसे भी मर्ज होने वाला है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ऐसे भी मर्ज होगा, क्योंकि ऊपर से ही वैसा इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था, या इससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से आया था ऐसा कि नोटिस जारी की थी कि पीएसयूआरओ ऐसे ये सब एक ही कैडर रहेगा पीए, ठीक है, और इसी के अंदर जो लोग हैं वो कुछ 3 साल के लिए पीएपीओ काम करेंगे, पीएसयूआरओ काम करेंगे, ठीक है। तो ये पहले ही नोटिस आ चुका है, या फिर जो अभी ऐसे में है वो अगर चाहते हैं कि पीए में चले जाए तो वो कैडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि देखो होता था क्या कि कुछ लोग हैं जो कि हमेशा सीओआरओ में काम है तो उनको ऑपरेटिव वर्क नहीं आता कि काउंटर पे कैसे काम किया जा सकता है। तो ये मेन चीज लाने का कारण था कोरोना के वजह से, ठीक है। कोरोना में हो क्या रहा था, जैसे सीओआरओ बंद रहता था और हम लोग ऑपरेटिव स्टाफ थे तो हम लोग कंप्लेन बार बार करते थे कि वो लोग को क्यों नहीं बुलाते हो, उसको शनिवार रविवार छुट्टी भी देते हो, उसको ऑपरेटिव वर्क भी नहीं कराते, अगर कोरोना में वो मजे भी ले रहे, तो बार बार ऐसा ऑब्जेक्शन उठते जा रहा था। तो इस वजह से मेरे को लगता है ऊपर से ये आया है कि हर कोई हर काम सीखेगा, हर काम जानेगा। इससे क्या होगा कि लोगों में ऐसा भावना नहीं होगा कि वो कम काम कर रहा है, हम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। सबको चांसेस मिलेगा अलग अलग तरह का काम करने का, तो इस वजह से हो रहा था। और ये होना ही था, क्योंकि इसके पहले एसबीसीओ, बार बार आपको बताएं कि एसबीसीओ भी एक कैडर था जो कि मर्ज हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा मत समझना कि जो अभी सीओआरओ में काम कर रहा है उसके विदाउट विलिंगनेस के आपको पीए दे देगा, ऐसा नहीं है। आपसे विलिंगनेस मांगा जाएगा कि आप पीएपीओ में जो भी सीओआरओ में या ऐसे में वर्क करे उसके बारे में बता रहे, आपसे विलिंगनेस मांगा जाएगा कि आप सीओआरओ में वर्क करना चाहते हैं या पीएपीओ में या और कुछ, ठीक है। वैसे अगर जिसको, जैसे बहुत लोगों को अभी लग रहा होगा कि मेरा सीओआरओ में हुआ है तो कहीं मेरे को चेंज करके पीएपीओ में ना डाल दे, तो वैसा नहीं होगा, या फिर देखते हैं जो भी होगा तो नोटिस के माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा ही। लेकिन इसके पहले जैसे एसबीसीओ का मर्जर हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे जो भी एसबीसीओ के स्टाफ थे उससे विलिंगनेस मांगा गया था, जैसे फॉरेन पोस्ट को भी मर्ज किया गया तो जितने भी स्टाफ थे उससे विलिंगनेस मांगा गया था। तो कुछ बहुत ऐसे लोग हैं कि आप अगर पीए में जाना चाहते हो तो पीए में जा सकते हो, तो बहुत लोग पीए में आए, तो उससे उनको एक घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ, क्या कि फॉरेन पोस्ट ने एक फायदा हुआ और एसबीसीओ में से भी पीए में आने में एक फायदा हुआ, क्या एसबीसीओ का ट्रांसफर नहीं होता था, तो इसलिए उस कैडर को सब छोड़ के पीए में आए। पीए में क्या आपका ट्रांसफर हो सकता है, और फिर फॉरेन पोस्ट का वही कहानी था कि आपका ट्रांसफर होकर आपके घर के पास नहीं जा सकते हो, तो उस वजह से भी फॉरेन पोस्ट को आदमी छोड़ दिया। तो अभी इसको करने से क्या फायदा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति फॉरेन पोस्ट में हो गया या संयोग से पीएसयूआरओ हो गया और उसको घर के पास जाना है, तो ट्रांसफर में देखो कितना मजा आ जाए, सब पोस्ट एक ही रहेगा, कहीं भी कोई भी ट्रांसफर में जा सकता है अगर आपको माने कि पीएसयूआरओ में जाना है या फिर किधर भी जाना है। तो एक फायदा इधर से हुआ कि ट्रांसफर का जो प्रोसेस है और भी अच्छा हो जाएगा, पीएपीओ को ज्यादा चांसेस रहेगा, तो आप अगर होम टाउन के पास जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा है, और वो मर्ज आपका ही नहीं, सीओआरओ का ही नहीं, ऐसे का भी होने वाला है। इसलिए जिसको भी ऐसे मिला है फिर से उनको बता रहे कि आप लोगों को चांसेस मिलेगा पीए में आने का, इसलिए आप टेंशन मत लो और नॉर्मल रहो। जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा तो आप भी और अच्छे से ज्वाइन करो। अभी बहुत लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भैया नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो भाई आप तो डिवीजन देखो, एक्चुअल होगा क्या कि वहां से जो आपके पास मैसेज आया, मैसेज के बाद सर्कल ऑफिस डिवीजन को लेटर भेजेंगे, ठीक है। तो डिवीजन वाले फिर मतलब अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा, 10 दिन कम से कम जाएगा, क्योंकि डिवीजन वाले फिर लेटर भेजेंगे आपको, आपको बोलेंगे कि 10 से 15 दिन में आप आओ। तो ये सब थोड़ा सा प्रोसेस है, फिलहाल अभी हम घर में हैं तो घर से जाने के बाद आप लोगों को पक्का बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो डिवीजन है जैसे थाने डिवीजन या मुंबई ईस्ट डिवीजन या मुंबई साउथ डिवीजन या फिर मुंबई जीपीओ या सीओआरओ, सब जगह का आप लोगों को फोन नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप वहाँ के डिवीजन वाले से पूछ सकते हैं कि आपका कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा, इतना मेरे पे विश्वास रखना। लेकिन हाँ, ये मैं 1 तारीख के बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से हम 31 को निकलने वाले, तो 1 को पहुंचेंगे, तो 1 को तो नहीं, 1 के बाद 2 को आपको करेंगे। फिलहाल तो मुंबई जीपीओ में है, और तो मुंबई जीपीओ के बारे में तो जो भी जिनको भी 200 लोगों को मिला है, तो आशा करते हैं वो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे,
ताकि उनको तो इन्फॉर्मेशन देना ही देना है और बनता भी है, ठीक है। और फिर देखो एक चीज जो बताना चाह रहे हैं हम, कि जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया ये डिवीजन कहाँ पे है, तो जितना मेरे को पता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे मुंबई जीपीओ, मुंबई जीपीओ भी एक डिवीजन है, वो है सीएससी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां से 1 मिनट के रास्ते पे है। अगर आपको देखना है कि कितना दूरी है, तो मेरा एक वीडियो होगा, आप जाके सर्च करना मुंबई जीपीओ का, तो वो मैंने कोशिश की है, या एक वीडियो है क्राउड इन लोकल ट्रेन ऐसे करके, तो वो देखना, पक्का अपने ऑफिस से स्टेशन की दूरी कितना वो दिखा है, तो आप देख सकते हो। फिर मुंबई साउथ डिवीजन, मुंबई साउथ डिवीजन जो है जीपीओ का ही एक प्रीमाइसेस है, ठीक है, उसी के अंदर मुंबई साउथ डिवीजन है। मुंबई साउथ डिवीजन का जो सैलरी बनता है वो हम ही लोग बनाते हैं, मुंबई जीपीओ ही वाले ही बनाते हैं, तो इसलिए जो भी साउथ डिवीजन में जाएगा वो मुंबई जीपीओ, तो उनका आना जाना रहेगा, या फिर भाई से जरूर मिल सकते हो। और डिवीजन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस उतरना पड़ेगा, मुंबई जीपीओ पूछना, उसी का कौन सा फ्लोर है, उस फ्लोर पे साउथ डिवीजन चलता है, तो वहीं पे आपका साउथ डिवीजन है, दो बता दिए। तीसरा सेंट्रल सॉर्टिंग, सेंट्रल सॉर्टिंग जिसको मिला होगा वो भी मुंबई जीपीओ के ही प्रीमाइसेस में है, आप सीएसटी स्टेशन उतरना और जीपीओ आ सकते हो। फिर मुंबई सॉर्टिंग करके जिसको भी मिला होगा वो भी जीपीओ के ही प्रीमाइसेस में है, वो भी आप वहां आ सकते हो। और एक है एमएमएस करके, मोटर मेल सर्विस का, तो एक ऑफिस है जीपीओ के पास, अब देखते हैं, लेकिन इतना है। और जैसे थाने डिवीजन, तो वो थाने उतरोगे तो थाने डिवीजन मिल जाएगा, नवी मुंबई डिवीजन किसी को मिला हुआ तो नवी मुंबई जगह ही है। तो फिर मुंबई जैसे ईस्ट है, तो मुंबई ईस्ट का डिवीजन है वो दादर, ठीक है, मुंबई ईस्ट का डिवीजन है दादर, तो ये हो गया। और फिर धीरे धीरे पता करके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, पालघर डिवीजन पालघर में है, ऐसा वैसा जो भी है। और सीओआरओ, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सीओआरओ कहाँ पे है, तो देखो सर्कल ऑफिस जो है एक, और आरओ एग्जैक्ट, अगर मुंबई जीपीओ वाला मिलेगा सर्कल ऑफिस और आरओ, तो सर्कल ऑफिस और आरओ भी एक मुंबई जीपीओ के ही प्रीमाइसेस में है, ठीक है। अब बच गया कुछ, तो वो पता करके आप लोगों को बताएंगे जैसे जैसे आप आओगे। जैसे बहुत भाई लोग पूछते हैं भाई एयर मेल सॉर्टिंग कहाँ है, तो एयर मेल सॉर्टिंग दो जगह है, एक शायद विले पार्ले करके एक जगह है, ठीक है, वहां पास में है, एक भाई ज्वाइन किया था तो मेरे को कॉल किया था, कॉल करके पूछ रहा था, तो ध्यान, अब सीएचएसएल 2021 से, तो कोशिश करेंगे अगर उसके बारे में पता चले तो आप लोगों को बताएंगे। और फिर और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या क्या मिला है और क्या क्या चीज के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि रूम रेंट, रूम एफोर्डेबल, देखो आप इतना सोच के आना कि 16 से 17 हज़ार 18 हज़ार तक रूम रेंट लगेगा, एक दो मिल के रहना, और नहीं तो दूर ट्रेवल करोगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। और नजदीक रहोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको, साउथ डिवीजन और मुंबई जीपीओ वालों को, और बाकी बात देखो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, उतना टेंशन लेके चलोगे ना कि ये कहाँ मिलेगा, आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, तो वो सब हो जाता है एडजस्ट। जैसे ही स्टेशन से उतरोगे 200 आदमी रहेगा आपसे पूछने के लिए कि चलो ये होटल वो होटल, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना। और खास करके गर्ल्स कैंडिडेट है, उन लोगों को डर लग रहा है कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हॉलीडे रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हॉलीडे रूम रहेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं तो नॉर्मली नहीं मिलता, आपको होटल में ही रुकने का व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप डिविजन के लिए जाओगे तो वो लोग भी हेल्प करते हैं थोड़ा, ठीक है, इसलिए उतना सोचना नहीं है। और फिलहाल सीजल 2023 का मेंस हो ही रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा। वैसे मेंस होने के बाद देखो ये तो है कि आपके पास और लास्ट रास्ता वही है कि अगर आपका मेंस हो गया तो ज्वाइन ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और बहुत लोगों को बहुत पूछना है कि कब आएगा, कब आएगा डिवीजन का, डीवी का कॉल लेटर, कितना दिन जाएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो देखो अभी आप ही सोचो कि अभी तुरंत आपको, आप लोगों को एलोकेशन हुआ है, फिर बीच में दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, फिर अभी है, फिर संडे आ जाएगा, तो एक दो कुछ दिन रुको। और हम लोग भी जा रहे हैं अभी वहाँ ऑफिस जाएंगे, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी करवाने का, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो कोशिश करेंगे पता लगाने का और जल्दी करवाने का, क्योंकि जल्दी जितना जल्दी होगा तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि दूसरे स्टेट वाले ज्वाइन कर गए हैं, तो रूल 38 ट्रांसफर पॉलिसी में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक। और जितने भी लोग आएंगे उन लोगों से तो यही कहना है कि जो जो डिवीजन जिसको मिला है वो लोग आप एक ग्रुप जरूर बना लो, ठीक है, ताकि रूम शेयरिंग के लिए आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर और जाओगे मान लो, तो जाने आने सब कुछ करने में बहुत बेटर रहेगा, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो अपना ग्रुप जरूर बना के रखें, ठीक है, बॉयज को तो कहीं भी चल जाएगा, लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट कोशिश करना ग्रुप बना के रखने का, तो उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और देखो जहां तक बहुत लोग ऐसे बोले भैया आप हेल्प करना रूम लेने में, तो देखो जहां तक हम जहां रह रहे हैं वहां अगर रूम खाली रहेगा तो जरूर दिलवाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो पता नहीं,
और वैसे देखते हैं आने के बाद कोशिश किया जाएगा, ऑफिस में भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे क्या है नहीं है, क्योंकि देखो मेरा क्या है थोड़ा मतलब जहाँ रहते हैं उसके बारे में उतना ध्यान नहीं करते, जैसे हमको रूम मिल गया तो उतना ध्यान नहीं करते बगल में रूम खाली है क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आओ और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताना, लेकिन अभी भी एक दो चीज़ देख रहे हैं, एक दो चीज़ सुन रहे हैं और हमको लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करना है वो आप एक बार देख लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में एक बार देख लो कि कहाँ पे क्या साइन है, आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको एक बार चेक कर लो कि उसमें नाम पता सब कुछ सही है या क्या है नहीं है, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या एड्रेस डालना है क्या नहीं डालना है वो सब आप देख लो, ताकि आपको जाने के टाइम उतना हड़बड़ी ना लगे। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देख लो, आपके पास एक नेशनलाइज बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए क्योंकि एनपीएस के लिए लगता है, सैलरी के लिए आप जहां ज्वाइन करोगे वहां पे ही सेविंग अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, तो आप वहां ओपन कर सकते हो उसी में आपका सैलरी आएगा। नॉर्मली बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में आईपीपीबी में बोलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सैलरी लेने के लिए, तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जस्ट लाइक अ ऐप है, जैसे गूगल पे ऐप है वो, उससे आपका सेविंग अकाउंट या फिर आपका और कोई नेशनलाइज बैंक अकाउंट है वो सब उसको से अटैच कर सकते हैं, पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो किधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे फोन पे यूज करते हो स्कैन करने के लिए कहीं पेमेंट करे तो उससे स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको बनाया गया, तो उसमें भी आपका पेमेंट आ सकता है, या कहीं कहीं जैसे मुंबई जीपीओ वालों को स्टेट बैंक रहे कोई भी बैंक में आ जाता है, लेकिन ज्यादा फायदा है अपना सेविंग अकाउंट में ही आने का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, उससे क्या फायदा है कि वो तुरंत क्रेडिट हो जाता है, ऐसे नहीं तो स्टेट बैंक वाले में एक आध दिन शायद कभी कभी लेट चला जाता है, मान लो बैंक किसी दिन बंद हो गया 2 दिन बंद है तो उसमें एक दो दिन लेट चला जाता है, इसलिए कोशिश करना कि अपना सेविंग बैंक में ही ले लें, और फिर आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप उसको ट्रांसफर करके जिधर आपको जिसको भेजना है या जो करना है वो करना। ठीक, तो और आओ तो हम लोग मिलते भी हैं, बहुत दिन से वीडियो बना रहे थे, लगभग 4 से 6 महीना हो गया आप लोगों को वीडियो में दिख रहे थे, फिर हम लोग सामने मिलेंगे दिखेंगे और कोशिश करेंगे ऑफिस में जितना हो सके हेल्प करने का, हेल्प भी करेंगे जितना मेरे संभव रहेगा उतना, और जिसमें मेरा नाम में कुछ मतलब कुछ ऐसा ना हो जिससे डिफेम हो जाए। ठीक है, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा अच्छा करने के बाद भी लोग डिफेम हो जाते हैं, बदनामी हो जाती है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए उतना ही करेंगे जिससे कि मेरे कैरेक्टर पर या किसी भी चीज़ पर थोड़ा भी कुछ उंगली ना उठे, और सब कुछ बचाव करके ही करना है, क्योंकि देखते हैं बहुत जगह की जो स्टार्टिंग में कुछ काम दे देता है लोग फिर उंगली उठाना उसी पे स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ से हम बहुत दूर रहते हैं। वैसे आप ऑफिस आओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में सोच से एक वीडियो और डाले, देखते हैं कुछ और दिमाग में आता है तो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन हाँ वो जो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन या नोटिस आया है या सर्कुलर आप लोगों के पास आया है कि पीएपीओ क्या सीओआरओ और पीएपीओ में मर्ज हो जाएगा क्या, तो ये जनरली सोचना ये सच्ची है। ठीक है, ऐसा ये मत सोचना कि ये गलत। हाँ एक बात जो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि नवंबर से बोल रहा है तो कहीं हम लोगों को भी उसमें ना शामिल कर दिया जाए, जिसको सीओआरओ मिला है उसको भी पीएपीओ में ही ना चेंज कर देते, ऐसा नहीं है, आपको ज्वाइन कराएगा सीओआरओ में ही, बाद में अगर मर्जिंग होगा तो 3 साल के बाद जो रोटेशनल ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर कर सकता है, या फिर आपको विलिंगनेस बोलेगा डालने कि आप पीएपीओ में जाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, तो बाद में जब आप सीओआरओ में काम करोगे तो आपको लगेगा। अगर सर वैसे एक फायदा है वहाँ की सैटरडे संडे एग्जैक्टली छुट्टी होता है। ठीक है, कभी कदाल कभी कभार दाल ऐसा रहेगा जहाँ पे सैटरडे को भी आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वो तो चलता ही है, और थोड़ा अगर आपका इंग्लिश और कंप्यूटर थोड़ा अच्छा है तो आपका वर्क वहाँ पे बहुत ही स्मूथ चलेगा, आपको मजा आएगा वहाँ काम करने में, और सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, और छुट्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस का एरिया भी बहुत अच्छा जगह है और सीओआरओ भी अच्छी जगह पे है, जहाँ पे मुंबई जीपीओ है वहीं पे सीओआरओ है। सीओआरओ में एक फायदा है कि एक बार जो ऑफिस मिल गया हमेशा वही ऑफिस में रहना पड़ता है, सेम है मुंबई जीपीओ, मुंबई जीपीओ का भी सेम वही फायदा है, एक बार जो आपको ऑफिस मिल गया हमेशा उसी में रहना, सिर्फ सेक्शन चेंज होता है। ठीक है, कभी इस सेक्शन में है कभी उस सेक्शन में, बस सेक्शन चेंज होता है और कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन दूसरा जो पोस्ट ऑफिस है ना जैसे मुंबई ईस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें क्या है कि आपको जो ऑफिस मिला 3 साल के बाद फिर कोई वहां से 10 किलोमीटर दूर है वो उस ऑफिस में दे दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ, क्योंकि एक बार अगर आप रूम ले लिए तो वहां से मान लो 40-50 किलोमीटर, लेकिन है क्या कि मुंबई में ट्रेन का नेटवर्क ही इतना अच्छा है कि कोई खास दिक्कत नहीं होता, बट उतना मेरे को पता नहीं दूसरे डिवीजन का, और ठीक है उतना डराना भी नहीं है, जो मिला है देखते हैं, पढ़ लिख के फिर दूसरा नौकरी लेना है या फिर कुछ जुगाड़ लगता है ट्रांसफर लेके यहाँ से निकलो। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे जरूर मिलेंगे, और धैर्य से रहो, और ज़्यादा ये नहीं होना है कि हाँ कब आएगा कब आएगा, अब डीवी का कॉल लेटर कब आएगा, पहले
पहले डिवीजन एलोकेशन के लिए वो भी आ जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा, फटाक से आएगा आपको शाम को दिखेगा कि आपका भाई एक वीडियो बनाया है कि खुशखबरी इस वीक में डीवी का कॉल लेटर आने वाला है और 1-2 दिन के बाद तुरंत आ जाएगा, वैसा ही होएगा। ठीक है, अगर मेरे पहुंचने के बाद आया तो, अगर पहले आ गया तो फिर तो भाई को पता भी नहीं चलेगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जो भी नए हो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मिलेंगे, बाय।